मैं बात कर रहा था सिलेबस की, ठीक है। मैंने आप लोगों को सिलेबस दे दिए और स्क्रीन पे भी अवेलेबल है, तो जो ऑनलाइन है वो यहाँ देख सकते हैं। दिस इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन योर ICAP की वेबसाइट एज वेल, जो कि स्टूडेंट आईडी वगैरह डालेंगे आप अपने रिसोर्सेज में जाएंगे, स्टडी रिसोर्सेज में सारी चीजें अवेलेबल है वहाँ पे, ठीक है ना। तो नथिंग आउट ऑफ द ब्लू मेरे पास पड़ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसकी सिलेबस दिखाने से पहले, नहीं तो वन का है, इसके सिलेबस पे जाने से पहले मैं आपको बताता हूँ इसकी सोर्सेज। दो प्राइमरीली दो पेपर से आती है, जो कि आपका BM है और BFD है, ठीक है। इसके अलावा इसमें टैक्स का भी कुछ पोर्शन है, एथिक्स का भी पोर्शन है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का भी पोर्शन है, ठीक है। लेकिन 80% ऑफ द पेपर इन दो जगहों से आ रहा है, बिजनेस मैनेजमेंट BM और BFD, ठीक है। वो मैं आपको दिखा भी दूंगा किस तरह से। बाकी 20% इज योर टैक्स, एथिक्स एंड गवर्नेंस, ठीक है। इसका अगर आप सिलेबस देखें या तो ये आपको पहले सबसे पहले इस ग्रेड को चेक करिएगा अपने पास, इस ग्रेड में अगर आप ये देखें तो वेटेजेस आपके पास आ रही हैं सामने, ठीक है। 40-50% ऑफ योर पेपर इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ठीक है। तो मतलब 40-50% इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर उन्होंने नीचे दिए हुए इसके ब्रेकअप की क्या आता है इसमें, लेकिन ओवरऑल ये समझ लें कि ये मेजरली वो पोर्शन है जो कि BM टाइप का एरिया है, जिसमें आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजी, IT स्ट्रेटजी, बिजनेस एक्विजिशन स्ट्रेटजीज, बिजनेस एक्सपेंशन स्ट्रेटजीज, डीमर्जर स्ट्रेटजीज, और ये हर चीज यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो ये मोर और लेस इज द मेजर थीम ऑफ द पेपर। इसके अलावा जो दूसरा एरिया है, दिस इज अगेन 35-45% ऑफ योर पेपर, which is your financial and performance management. अच्छा, बात ये है, ये दोनों isolation में नहीं होते, दोनों combination में आते। किस तरह? कि अगर जैसे financial and performance management में आपको कहेंगे कि यार company है, उसके ratios की evaluations करो, for instance. So वो आपका financial and performance management आ गया। अब उसका improvement plan बताओ, तो वो strategic management के अंदर आ गया। So this is more or less the calculation area that will be used to support the strategic management area. So I generally see both of them as just one component. तो बेसिकली अगर देखा जाए तो एवरेज लगाएंगे तो 80% ऑफ योर पेपर बन चुका, ठीक है। दिस इज व्हाट कम्स फ्रॉम योर BM एंड योर PFD। इसके अलावा देन देयर इज योर टैक्स प्लानिंग का एस्पेक्ट, व्हिच इज 5-15%, शायद लास्ट पेपर में शायद 5 मार्क्स का ही आया था ये जो लेटेस्ट अटेम्प्ट किया इसका, लेकिन यूजली 10 मार्क्स तक तो ये एवरेज करता है ये टैक्स का एरिया। टैक्स हार्डकोर टैक्स आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी वर्किंग्स करनी पड़ेगी यहाँ पे। मेजरली जो टैक्स का एरिया है, दैट इज अबाउट योर टैक्स इम्प्लीकेशंस। मतलब ये कि अगर दो कंपनीज आपस में, एक कंपनी को आप अक्वायर कर रहे हो, तो वो उसमें पूछेंगे कि यार ये ग्रुप के ऊपर टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, मतलब ग्रुप रिलीज किस तरह मिलेंगे। फिर आपको देखना होगा कितने परसेंटेज एक्विजिशन है, 100% है, 50% है, जो स्टार्टअप्स में मीट कर रहा है, ग्रुप लॉसेस की ट्रीटमेंट किस तरह से होगी। तो ऑब्वियसली जो भी टैक्स की ट्रीटमेंट होगी, इट विल बी डिराइव फ्रॉम द सिनेरियो, जो पूरा केस होगा। अगर एक्विजिशन का केस है तो एक्सपेक्ट ग्रुप टैक्स की सिचुएशन, ठीक है। जैसे अगर आपको ब्रांड एक्सपेंस के ऊपर खर्चा हो रहा है, तो एक्सपेक्ट क्वेश्चन ऑन के टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ मार्केटिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि एक इंटेंजिबल वाला तरीका भी होता है, एक नॉर्मल तरीका भी होता है कि इसको नॉर्मल एक्सपेंस के थ्रू आउट करें, ठीक है। तो ये उस तरह से होगा। सो इट विल बी इंटीग्रेटेड क्वेश्चन, इट विल बी डिराइव फ्रॉम द केस, देयर विल बी नो इंडिपेंडेंट क्वेश्चन ऑन टैक्स। डू नॉट एक्सपेक्ट के पूरा क्वेश्चन टैक्स पे आएगा, ऐसा हो नहीं, होगा नहीं। इसका तभी नाम इंटीग्रेटेड, ये इंटीग्रेटेड पेपर, ठीक है। सो इसके बाद आता है आपका ये मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू कॉर्पोरेट कोड्स एंड गवर्नेंस एंड परफॉर्मेंस एंड एथिक्स। आएगा जरूर, ऐसा हो नहीं सकता ये आए ना, आएगा जरूर, लेकिन इसकी अगेन वैल्यू जो है वो 5-10% के अंदर के आती है। तो जो मैं आप लोगों को पहली बार समझा रहा था कि योर मेजर थीम इज दिस पर्टिकुलर एरिया, विच इज योर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। अच्छा, जहां तक कवरेज की बात है कि इस एरिया को हम डिवाइड किस तरह कर रहे होंगे बिटवीन टीचर्स, तो आप लोगों को पता है कि मैं और सलमान दोनों पढ़ा रहे हैं। सो ये 80% वाला एरिया ना, दिस विल बी टॉट बाय मी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम एक सर्टेन एरिया जो कि रिस्क मैनेजमेंट है, ठीक है, जिसके अंदर आपकी वो इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट और ये सारी चीज हेजिंग वेजिंग आ जाती है। टैक्स प्लानिंग और मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेट लॉ एंड एथिक्स वगैरह जो होगा ना, ये भी सलमान के पास, ठीक है। So I will be taking you through almost the 80% of the paper, the remaining 20% will be taken.
taken through by Sir Lokman. Okay, so this is how we are dividing the course. So the majority portion, it lies with me. ठीक है यहाँ तक. अब बात आती है कि what comprises strategic management, जो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था. कि if you look at the strategic management का division, the papers are with you. सबसे पहले आता है strategic analysis. ये वही सारी चीजें कि कंपनी की स्ट्रेटेजिक पोजीशन क्या है, पोर्टल प्रेस्टल वगैरह इस किस्म की चीजें. ठीक है ना, जो फाइनेंशियल मॉडल्स आप लोगों ने बीएम के अंदर भी देखे हुए होंगे. स्ट्रेटेजिक चॉइस, जो जेनेरिक स्ट्रेटेजीज वगैरह हुई हैं, वही सारे मॉडल्स और स्ट्रेटेजीज के ऊपर, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी हो गई और जेनेरिक स्ट्रेटेजीज हो गई, सारा उसमें आ जाता है. स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन, एक्विजिशन एंड स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, अलाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉर स्ट्रेटेजी, मतलब एक्विजिशन करते हुए क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किस तरह से होना चाहिए. तो ये सारी चीजें मोर ऑफ अ थियोरेटिकल एरिया. फिर आपके पास आता है बिजनेस रिस्क मैनेजमेंट. दिस इज नॉट द दैट काइंड ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, ये वो वाला है जिसके अंदर आप कंपनीज के रिस्क को इवैल्यूएट करते हो और अनसर्टेनिटीज को कम करने की कोशिश करते हो, जो ERM टाइप की चीज होती है. स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग एंड ब्रांड मैनेजमेंट. अच्छा, इसके अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ कि अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ द ब्रांडिंग एंड ब्रांड मैनेजमेंट, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ. क्या लिखा हुआ? अंडरस्टैंडिंग मार्केट पोजिशन, डेवलपिंग अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी. सो एक्सपेक्ट योर सेल्फ डेवलपिंग अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, जो मैं पहले ही समझा रहा था लोगों को. दिस पेपर रिक्वायर्स यू टू डेवलप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रादर देन के इवैल्यूएट द फाइनेंशियल इंपैक्ट्स ऑफ द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी. सो यू विल बी एक्सपेक्टेड टू डू दिस. तो थोड़ा सा अपना दिमाग खोलें यहाँ पर. ठीक है, द मार्केटिंग मिक्स, डेटाबेसेस, ई मार्केटिंग, ब्रांड मैनेजमेंट, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी, वैल्यूइंग ब्रांड्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स. यहाँ पे आगे जैसे कहते हैं कि भाई ब्रांड की वैल्यूएशन भी आनी चाहिए. तो ये कहना चाह रहा है कि आप एक मार्केटियर भी होने और आपको फाइनेंस वाला बंदा भी होना, तो दोनों होने. ठीक है, इन्फॉर्मेशन स्ट्रेटजी, इसके अंदर वो IT रिलेटेड सारी चीजें, कि IT का क्या फायदा होता है, IT को अप्लाई करने के क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या डिसएडवांटेज होंगे, अगर एक IT टीम मैनेजमेंट आ रहेगा तो उसको इम्प्लीमेंट करते हुए क्या प्रॉब्लम्स होंगी आपको. ठीक है, तो ये उस किस्म की चीजें इसके अंदर आएगी, क्योंकि IT अपने आप में एक बड़ा स्पेसिफिक एरिया है. तो डोंट एक्सपेक्ट योरसेल्फ टू नो द IT नहीं पता होना चाहिए आपको. ये नहीं पता हो कि लैंग्वेजेस आ रही हैं जो C++, पता नहीं कौन कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं. डोंट, ये उस किस्म का नहीं है. बस यू नीड टू नो हाउ द IT इम्पैक्ट्स द बिजनेस वर्ल्ड, नॉट फाइनेंशियली बट कमर्शियली एज वेल, इवन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एज वेल. ठीक है, तो IT की एप्लीकेशन टुवर्ड्स द होल यूनिवर्स पे बात हो रही होगी यहाँ पर. ठीक है, फिर इसके बाद आपके पास आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. एक्सपेक्ट योरसेल्फ एनालाइजिंग ए रेम्यूनरेशन स्कीम एज वेल. ये मैंने भी किया है कि हम एक इंसेंटिव पॉलिसी बनाते थे और उसको हम एवेल्युएट करते थे कि हाउ दिस इंसेंटिव पॉलिसी इज गोइंग टू अफेक्ट द बिहेवियर्स, द कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट एंड द डिसबर्समेंट्स एंड मोटिवेशन ऑफ द पीपल. ठीक है, तो ये तो मैं भी कर चुका हूँ इसलिए, क्योंकि स्टाफ इंसेंटिव सेल्स स्कीम के जब मैं बिजनेस पार्टनर था, obviously the finance business partner hota tha, he had to play a very active role in making of the incentive policies for the sales team. to hum wahan pe jab discussion karte the to finance ke bande se ye expect nahi kiya jata tha ki wo policy ka financial impact nikal ke dikhaye, ki pichle saal agar ye policy hoti to kya impact hota, aaj agar ye policy change hoti to kya impact hota, ye aapko net impact aayega. we were expected to analyze on the level of motivations as well. agar ye maine policy di to sales ke logon ki motivation kaisi hogi, unke behaviors kis tarah se honge, whether they will be happy with this, whether they will not be happy with this. ठीक है, हमें ये भी इवैल्यूएट करना होता था, उन चीजों का क्वेश्चन करना होता था कि यार कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव क्या है और वेदर द इंसेंटिव पॉलिसीज इन लाइन विद दोस कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव या नहीं, मतलब इज देयर एनी अलाइनमेंट इन द कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स या नहीं. मतलब एक तरफ कंपनी कह रही है कि हमारा काम यह है कि इन्वेंट्री कंट्रोल करना एक ऑब्जेक्टिव है, और पॉलिसीज के अंदर वो कहीं रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा कि आपको सेल्स वाले को कोई किस्म का इन्वेंट्री कंट्रोल ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए इसका ही मतलब है ना. क्योंकि जब लार्जर ऑब्जेक्टिव बनता है उसको नीड्स टू ट्रिकल डाउन टू द फाइनल पीपल हु आर एग्जीक्यूटिंग इट, राइट. तो ये स्ट्रेटेजिक मिसअलाइनमेंट्स भी आइडेंटिफाई करनी होती है. आपसे ये भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि यू विल बी आस्क्ड टू इवैल्यूएट कि दो बंदों में से कौन सा बेहतर है हायर करने. तो मतलब एक्सपेक्ट योरसेल्फ टू बी अ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हियर एज़ वेल. मैंने एक चीज सीखी है, ये सब जानने के लिए MBA करना जरूरी नहीं है, कॉमन सेंस होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि मैंने माशाल्लाह से मैं ऑलमोस्ट ह्यूमन रिसोर्स के अलावा मैंने ऑलमोस्ट सारे डिपार्टमेंट पढ़े और HR की ऐसी बात है, मेरी कोई 150 लोगों की टीम है, तो ह्यूमन रिसोर्स थोड़ा बहुत मुझे भी आइडिया होगा. ठीक है, तो वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स संभालना, बी एट मार्केटिंग संभालना, बी एट यू नो सच जेनेरिक फंक्शंस, इट्स मोर ऑफ कॉमन सेंस देन इट इज अबाउट एनी रूल. हमें तो ये कहना है कि जैसे अकाउंटेंट होते हैं तो एक स्टैंडर्ड्स की
बुक है जिसको फॉलो करना है या उसका वे अराउंड घूमना है, लेकिन एचआर के अंदर ना आपको कॉमन सेंस यूज करना है, ठीक है। सो यहाँ पे जो ज्यादा बड़ा क्वेश्चन होगा वो ये नहीं कि आपको एचआर आते नहीं आता, ज्यादा बड़ा सवाल होगा कि आप में कॉमन सेंस है या नहीं, ठीक है, आपका माइंड प्रोसेस काम कैसे करता है, समझो। तो ह्यूमन रिसोर्स मॉनिटर, स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इम्पैक्ट ऑफ एचआरएम ऑन बिजनेस स्ट्रेटेजी, अप्रेजल एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, वही बात है, फाइनेंस, इम्पैक्ट ऑफ रेम्यूनरेशन एंड रिवॉर्ड पैकेजेस, ये कहीं लिखा हुआ फाइनेंशियल इम्पैक्ट अगेन, एंड एचआरएम एंड चेंज मैनेजमेंट। तो चेंज मैनेजमेंट अगर न्यू पॉलिसीज वगैरह लानी होगी तो वो कंपनी में कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए, फॉर इंस्टेंस आज आप कंपनी में बैठे हो और आपको एक न्यू पॉलिसी लानी है, और न्यू पॉलिसी ये है कि लोगों के मेडिकल जो है ना वो कट हो जाएंगे, कोई मेडिकल की पॉलिसी थी जिसमें ओपीडी का सपोज कर क्या आउट पेशेंट अलाउड था, वो कट करने जा रहे हो, तो आप ये बताओ कि हाउ विल यू इंप्लीमेंट दिस पॉलिसी इन द कंपनी, एंड यू नीड टू टेक केयर अबाउट द फैक्ट दैट देयर कैन बी एन एम्प्लॉई रिवॉल्व ऑन दिस, देयर विल बी क्वेश्चंस रेज्ड ऑन द कंपनीज एज़ वेल, कंपनी एज़ वेल, सो हाउ आर यू गोना मैनेज इट थ्रू। तो मैं वही बता रहा हूँ कि थोड़ा सा फाइनेंस से निकल के सोचना है, जो लोग कंपनीज में काम कर रहे हैं ना, जिन लोगों का फर्म के अलावा भी कंपनीज में एक्सपोजर रहा है, जैसे आप एटलस में है, आप जैसे डॉलर ग्रुप में, उनके लिए ये पेपर जो होते हैं ना थोड़ा ज्यादा रिलेटेबल बन जाता है, क्योंकि वो दे हैव बीन थ्रू ऑल दिस, कंपनीज वालों का एक्सपोजर चाहे भले वो अकाउंटिंग में क्यों ना क्यों, लेकिन उनका इन चीज़ों में एक्सपोजर किसी ना किसी तरीके से आ जाता है, फर्म वालों का थोड़ा कम होता है, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत कम होता है, क्योंकि यू वर्क ऑन वॉल्यूम, क्योंकि यू वर्क विद अ लॉट ऑफ कंपनीज, तो थोड़ा थोड़ा आइडिया तो हो ही जाता है, ठीक है, जो ग्राउंड रियलिटीज होती है, लेकिन जो कंपनी में काम कर रहे हैं उसको शायद थोड़ा ज्यादा बेहतर रिलेट कर पाते हैं अपने आप को इस पेपर से। इसके बाद जो सेकेंड पोर्शन था, जो 30-45% का पोर्शन है आपका, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट, एक तो ये स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस एंड मैनेजमेंट है, इसके अंदर आप रेशियो एनालिसिस देख लें और सीएसआर वगैरह ये सारी चीज हो जाएंगी, बिजनेस वैल्यूएशन एंड सिक्योरिटी वैल्यूएशन वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, अगर आप अपना पास पेपर उठा लें, आई बिलीव देयर माइट नॉट बी वन पेपर जिसमें कोई बिजनेस वैल्यूएशन नहीं है, बी इट अ प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन और अ एक्विजिशन, दिस इज वन थिंग दैट डू कम, इट विल कम इन एवरी पेपर, ऑलमोस्ट हर पेपर के अंदर ये कहीं ना कहीं एक पार्ट में रिफ्लेक्ट होता ही है, एंड दिस इज द टॉपिक वेयर आई विल ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम, विच इज योर बिजनेस इवैल्यूएशन, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, काफी बिजनेस इवैल्यूएशन के अंदर काफी आपके पास मॉडल्स होते हैं, आपका एक कौन सा होता है फ्री कैश फ्लो मेथड्स होते हैं, फिर डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड होता है, पता नहीं होता वो क्या क्या कौन सा होता है, डिविडेंड वैल्यूएशन होता है, मार्केट मल्टीपल मॉडल्स होते हैं, वो एपीवी एक है एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू का मेथड वो होता है, फिर पता नहीं आरआई रेजिडुअल इनकम मेथड होता है, पता नहीं दुनिया जाके मॉडल्स है, जो कंपनी कंसल्टेंसी की खुली है सब कोई मॉडल है, ठीक है, तो वो सारे हैं। सिक्योरिटीज वैल्यूएशन भी है, मतलब डेट की वैल्यूएशन, ये बीएफडी से काफी रिलेट कर सकते होंगे आप इस जगह पर, है ना। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इन फाइनेंशियल मार्केट, मोर ऑफ अ जेनेरिक एरिया, ये किस तरह से चीजें चल रही होती हैं, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स एंड रिकंस्ट्रक्शंस, यहाँ पे उन चीजों पर ज्यादा बात होगी, फॉर इंस्टेंस आपने डीलेयरिंग करनी है, फॉर इंस्टेंस आपकी कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है और उसको आपने बचाना है, तो उस वक्त क्या होगा, वेदर टू लिक्विडेट द कंपनी और पुट द कंपनी इनटू एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो ज्यादा यहाँ पे उस किस्म की बातें होंगी, डिस्पोजल्स पर बात हो रही होगी, अगर मैं कंपनी डिस्पोजल्स करते हो किस तरह से डिस्पोज कर सकते हो, कौन कौन से किस्म की तरीके से डीमर्ज कर सकते हो कंपनी को, वो सारी चीजें यहाँ पे। फिर आपके पास फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड मार्केट, ये तो हो गया, रिस्क मैनेजमेंट वही है, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, करेंसी रिस्क मैनेजमेंट, हेजिंग वगैरह, फिर ट्रेजरी एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। सो मुझे लगता है ये वो एरिया है जो आप बीएफडी से बहुत ज्यादा रिलेट कर पा रहे हैं, पहले वाला वॉज मोर फ्रॉम बीएम, दूसरा वाला इज मोर फ्रॉम बीएफडी, और ये फिर आपका आ जाता है टैक्स वगैरह, मैंने टैक्स का आप लोग ऑलरेडी बता दिया है कि दिस विल बी एन इंटीग्रेटेड पेपर, सो इट विल बी अराइजिंग आउट ऑफ द केस, अ प्रॉब्लम दैट विल बी अ पार्ट ऑफ द केस rather than a question in isolation, ठीक है। अब बात ये होती है कि भाई ICW से क्यों रिलेवेंट, मैं इसको रिलेट करता हूँ, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्यों, अगर आप लोग ये, मैं फिर से जरा ऊपर जा रहा हूँ उसके अंदर, ठीक है, ये आपका ICAP का ऑफिशियल सिलेबस है, मेरे पास ये बराबर में SBM की स्टडी मैनुअल खुली हुई है, जो
SBM की अपनी बुक है, ठीक है, ये कोई 1400-1500 पेजेस पे मुश्तमिल बुक है, ये इसका पार्ट वन है। अगर मैं इसमें आऊं और इसकी इंडेक्स सिखाऊं आप लोगों को, पता नहीं क्या क्या रखते हैं लोग, टेबल ऑफ कंटेंट्स देख लेना इसका। ओके, ये देख रहे नंबर वन, उसका भी यही था पेपर आप लोगों के पास, देख लेना। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, आई थिंक वर्ड भी सेम ही है, स्ट्रेटेजिक चॉइस यही है, स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग एंड ब्रांड मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन स्ट्रेटेजी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बिजनेस एंड सिक्योरिटीज वैल्यूएशन, वही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, मतलब आई थिंक कोई वर्ड टू वर्ड है सारा, फाइनेंशियल रिस्क, ठीक है, इससे रिलेवेंट। अब ये मत पूछिएगा पहले कौन सा पेपर आया था, सबको पता है, ठीक है, सही है। तो ये बेसिकली इसकी अपनी कोई कोर्स बुक भी नहीं है, तो रेफर कोर्स बुक यही है जो स्टडी मैनुअल है। अच्छा, इसमें थोड़ा मसला होगा आप लोग को आईकैप से रिलेट करते हुए अपने आप को दो तीन जगहों पे, जैसे एक जगह है फाइनेंशियल, इस पेपर में ना एसबीएम के अंदर यू आल्सो नीड टू नो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एमएससी 2 में जरूरत नहीं है, सही, एमएससी 2 में यू नॉट रिक्वायर्ड टू नो द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, लेकिन इसमें आई थिंक कहीं ना कहीं उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का भी एरिया दिया हुआ है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इसका थोड़ा ज्यादा जेनेरिक है, ठीक है, आप लोग का थोड़ा स्पेसिफिक कॉर्पोरेट गवर्नेंस है जो कि आपका पाकिस्तान के नॉर्म्स के हिसाब से, इसमें टैक्स नहीं नजर आएगा और आप लोगों का टैक्स एक अलग से चलना, ठीक है, तो जो पाकिस्तान स्पेसिफिक एरियाज है ना वो यहाँ से रिलेट ज्यादा नहीं कर सकेंगे इसको, लेकिन आप लोगों की कोर्स बुक यही है। तो अगर कोई कहे ना कि रेफरेंस मटेरियल पढ़ने का बुक कौन सी चाहिए, तो यही बुक, लेकिन जिस तरह मैं कह रहा हूँ 1400 पेजेस, ठीक है ना, ये वो हो सकता है ज्यादा हो कम हो, मुझे पता नहीं, तो दिस इज वाई योर पेपर सो मच रेलिवेंट टू ICW। और एग्जाम्पल दे देता हूँ, तो ऑब्वियसली आई बिन एक अटेम्प्ट के बगैर मैंने सारे अटेम्प्ट पढ़ाएंगे, तो मैंने पेपर से सारे देखे, जो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन है ना आई कैप के, दे हैव बिन इम्प्रूविंग एंड अब बहुत अच्छे लेवल पे आ चुके। बट व्हेन द पेपर स्टार्टेड ना, द फर्स्ट पेपर वॉज मिजरेबल, अगर आप जाके उसके क्वेश्चन भी पढ़ेंगे ना और उसके आंसर देखें, पहले तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, फिर उसके आंसर्स में मसले हैं, ठीक है, फिर उसके बाद उसके आंसर्स के अंदर भी आप लोगों को इश्यूज मिलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आंसर्स में भी आप लोगों को इश्यूज मिले थे। फिर उसके बाद इन लोगों ने कहा यार अब क्या करें भाई, क्वालिटी तो इश्यू हो सकते हैं शुरू में इन्होंने खुद वगैरह क्या हो, तो इन लोगों ने फिर पकड़ा शायद बीपीपी वालों को या किनको के बारे में क्वेश्चन बना के, तो उन लोगों ने क्या करा, उन लोगों ने ICW के जो पास पेपर थे वो क्रिश्चियंस को मुस्लिम किया उन लोगों ने, और पेपर बना के दे दिया, और वो क्वेश्चन थे जो मैंने क्लास में बच्चों को सॉल्व कराए थे, क्योंकि मैं ICW से पढ़ा रहा था और MSA 2 क्लास को, तो वो जो मैंने कराया हुआ था वो एग्जैक्ट वो क्वेश्चन बच्चों को पेपर बना के मिल गया, सिर्फ वो मैं बता रहा था ना मुसलमान कर दिया था, और जो लोकेशन थी वो पाकिस्तानी कर दी, ठीक है। फिर उन लोगों ने एक और अटेम्प्ट यही हरकत की, हालांकि एक बार ऐसी हरकत होने के बावजूद एक और अटेम्प्ट यही हरकत हुई, उसके बाद बोला यार कोई नया लाना पड़ेगा, नया ये जाए कि ACCA के पेपर उठा के डाल, तो मतलब ये इस तरह चल रहा है, ठीक है। सो पेपर इनके यहाँ वहां से कहीं ना कहीं से उठ के आ रहे हैं, क्योंकि ये पेपर बनाना भी आसान नहीं है, इसका क्वेश्चन बनाना इज नॉट वेरी इजी कंपेयर टू अदर योर ICAP पेपर्स, दे आर वेरी डिफिकल्ट एग्जाम्स टू मेक, बिकॉज यू नीड टू हैव अ वेरी प्रैक्टिकल सिनेरियो इन फ्रंट ऑफ यू एंड अ रेलेवेंट मार्किंग स्कीम एज वेल, सो वो कॉम्पिटेंसीज का गैप एक है, ठीक है। अब I don't know, yeah, they can try to get in touch with universities as well for them to prepare the cases or what. Because maybe last week I was in Lumps, I had a training over there, and I read certain because वहाँ जो training हो रही थी, तो उन लोगों के जो professors हैं, उन्होंने कुछ पाकिस्तान की companies पे actual companies के ऊपर cases prepare किए हुए थे अपने पूरे, and they were very high quality.
आई रेड देम, दे वर वेरी हाई क्वालिटी, क्योंकि मैं ICW पे पढ़ चुका हूँ, मुझे क्वालिटी का अंदाजा है, और मैं और भी मैगजीन्स वगैरह पढ़ता रहता हूँ, तो क्वालिटी का अंदाजा मुझे हो जाता है. दे वर प्रीटी गुड, प्रीटी वेल रिटन केसेस, नॉट टू द लेवल ऑफ हार्वर्ड जो बिजनेस स्कूल के केसेस आते हैं, क्योंकि वो भी मैंने पढ़े थे, तो वो दे वर वेरी हाई प्रोफाइल. बट स्टिल पाकिस्तान में एक बड़ा मसला ये है कि आपको जो लोकल कंपनीज होती है ना, वो अपने आपको इतना एक्सेस देती नहीं है इन डेटा गैदरिंग एंड स्टफ. वो सीक्रेसी के ज्यादा मसले यहाँ पे, ओपननेस के भी मसले, प्लस यहाँ पे वो कल्चर है नहीं. यहाँ पे आप किसी के पास जाओ, कोई बोले यार मैं आपको सोल्यूशन देना चाह रहा हूँ, आपको लिफ्ट नहीं कराएगा, कल्चर का इशू है. सो आई डोंट नो दे कैन डू समथिंग ऑन दिस फ्रंट, बट वही बात है कि क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस हैव इंप्रूव्ड अ लॉट. इंग्लिश हैव यू नो हैज इंप्रूव्ड अ लॉट, क्योंकि वो अब अच्छी रिसोर्सेज से बन के आ गई है, ठीक है ना. सो मैंने भी इसी वजह से जो क्लास का मेरा जो पढ़ाने का स्ट्रक्चर रहता है, जो मैं क्वेश्चंस कराता हूँ, मैं ICW से भी कराता हूँ और ICAP के भी पास पेपर से कराता हूँ, क्योंकि ICW के एग्जाम्स आर अ गुड बेंचमार्क फॉर योर ICAP पेपर्स. लेकिन ICAP के जो एग्जाम क्वेश्चंस हैं, दे आर रिलेटिवली लेस लेंथी, मतलब थोड़ी सी लेंथ कम होती है उनकी, और लेस ट्रिकी एज वेल. तो ICW का जो क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल है वो हाई कंपेयर टू ICAP के क्वेश्चन पेपर्स, क्योंकि उनमें इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होती है, एंड देयर इज अ लॉट टू ग्रास्प. सो इफ यू आर एबल टू डू ICW वेल, तो ICAP आप लोगों के लिए बहुत आसान मिल जाएगा. तो ये भी मैंने कहा, मैं अभी से बता दूं, क्योंकि ICW देख के लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, पढ़ा नहीं जाता क्वेश्चन, क्वेश्चन कीप्स गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन. तो ये भी एक है. सो क्लास में मैं क्वेश्चंस ICW के भी कराऊंगा और मैं ICAP की भी कराऊंगा, ठीक है. तो यही रेलेवेंस मुझे थोड़ी सी ड्रॉ करनी थी विद द सिलेबस. आई थिंक यहाँ पे दो पॉइंट समझ में आ गए कि किस तरह से इंटीग्रेट हो रहा है विद योर पास्ट एग्जाम्स, किस तरह ये इंटीग्रेट हो रहा है विद ICAW, एंड तीसरी चीज ये समझ में आ गई कि फाइनेंस की दुनिया से थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है. सो थ्री एरियाज विच वर सम लर्निंग पॉइंट्स विच वर ओवर हियर. कोई क्वेश्चंस रिगार्डिंग द सिलेबस? एनी क्वेश्चंस? क्यों नहीं? बता दूंगा, वो तो बताने हैं. और बताओ सिलेबस या अभी तक जो डिस्कशन हुई इसके रिलेटेड कोई सवाल आप लोगों में, कोई कंफ्यूजन? नहीं, आगे बढ़ जाओ. मैंने अभी जो क्लास में अभी क्वेश्चंस पेपर डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वो है लास्ट अटेम्प्ट जो रहा है, विच इज योर विंटर 2019, राइट. मैंने स्क्रीन पे भी डाल दिया है ये क्वेश्चन, उसका आंसर लग रहा है मुझे, स्क्रीन पे भी डाल दिया मैंने. अगेन ये रिसोर्सेज सारे अवेलेबल है ऑनलाइन की, सो यू कैन जस्ट चेक ऑन योर IDs एज वेल. ओके, स्टार्टिंग विथ योर पेपर कॉन्फ़िगरेशन. अगर आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को देखें तो 3.5 घंटे का पेपर है, 100 मार्क्स हैं, 15 मिनट का एडिशनल रीडिंग टाइम मिलेगा, 3 क्वेश्चंस होंगे, कितने होंगे? 3 क्वेश्चंस, एक 50 मार्क का होगा, 2 25-25 मार्क के, ठीक है. सो 3.5 घंटे, 3 क्वेश्चन, 50-25-25, 15 मिनट का एडिशनल रीडिंग टाइम, 5 बुक्स मेरे ख्याल से शायद अपने साथ ले जा सकते हैं, ठीक है. अगर हम देख भी लें इसको, जरा पेपर को स्कैन भी करें, तो ये क्वेश्चन 1 है आपका, ठीक है.
ये 50 मार्क का क्वेश्चन है, ये पहला पेज, ये आपका दूसरा पेज, ये तीसरा पेज, चौथा, पांचवा, खत्म, छह, छठा, सातवा, सात पेजेस पर, जो कि कम लग रहा है मुझे फिर भी, ठीक है। सो 50 मार्क क्वेश्चन है और सात पेजेस पढ़ने को, ऑलमोस्ट 2 घंटे का टाइम है, 2 घंटे होगा ना, 100 घंटे का, 3 घंटे का, 1 hour 45 minutes, ठीक है ना, अगर मैं एलोकेटेड टाइम डिवाइड करके देखूँ उस पर। सो ऑब्वियसली अ लॉट टू रीड, अ लॉट ऑफ इंग्लिश टू रीड, अ लॉट ऑफ डेटा एंड अ लॉट टू एब्जॉर्ब, क्योंकि एग्जाम कंडीशन में इतना बड़ा पेपर पढ़ना, फिर उससे जवाब देना, सोचना, लिखना, बहुत मुश्किल हो जाता है। आज अभी बैठे होंगे तो शायद वो फील भी आ रहा होगा कि यार क्या चल रहा है, देखा है आज तक आई क्या अपने ऐसा पेपर, हाँ नहीं देखा ना, यही मसला इस पेपर का, आप लोगों को कोई वो बीच में दिया ही नहीं है, वो अच्छा पैदा हुआ कह रहे हैं भागो, सही है। तो यूजली ACCA के अंदर भी इस तरह के पेपर होते हैं, लेकिन वो बीच में आदत डाल डाल के लेके आते हैं यहाँ तक, तो थोड़ा बड़ा करते हैं क्वेश्चन को, अगले अटेम्प्ट में और बड़ा करते हैं, यहाँ पे क्या हुआ छोटे से सीधा बड़े पे ले गए आप लोगों को, बच्चा रेंगना सीखा नहीं होता भाग, ठीक है ना। तो ये वो वाली मिसाल है यहाँ पे, तो यू नीड टू, अब कुछ कर नहीं सकते ना, पेपर तो देना है ना, ये तो नहीं बोल के आ सकते ना कि भाई हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब वो पैराडाइम शिफ्ट की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, वो लाना बहुत जरूरी है आप लोगों को, इस चीज को मान लो कि ये बड़ा आएगा एग्जाम में, इतना आएगा, इससे ज्यादा भी आ सकता है, और ये पढ़ना भी है, समझना भी है, ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करनी है, और ये पेपर भी लिख के आना, पूरा भी करके आना है और पास भी, ठीक है। तो सिर्फ अच्छी बात बताओ क्या आप लोगों की इस पेज में आए आप लोग, क्योंकि इसको देख के मैंने कहा यार ये आया कि आपने एक अच्छा काम किया है। ये देखना है टोटल मार्क्स 50 मार्क्स है, इंडिविजुअल पे आप लोगों को मार्किंग दी हुई है, मैं आप लोगों को ICW के जब एग्जाम भी कराऊंगा आप लोगों को एक चीज दिखाऊंगा, उसके अंदर सारी रिक्वायरमेंट होगी, नीचे टोटल होगा 50 मार्क्स, आपको ये नहीं पता हर रिक्वायरमेंट के मार्क्स है, तो उधर ज्यादा टेंशन होती है, ये पता ही नहीं है कि एक रिक्वायरमेंट के अंदर हम क्या होता है भाई, लेंथ का अंदाजा और कंटेंट का अंदाजा कहाँ से लगाते हैं, मार्क्स से, दैट इज अवर यार्डस्टिक, और वो यार्डस्टिक ICW के एग्जाम्स में अवेलेबल नहीं है, लेकिन ICAP के पेपर के अंदर आई एम वेरी हैप्पी दैट दे डिड नॉट रेप्लिकेट दिस पर्टिकुलर एरिया ऑफ देम एंड दे एक्चुअली आर गिविंग मार्क्स फॉर ईच रिक्वायरमेंट, सो दिस विल हेल्प यू असिस्ट इन राइटिंग, ICW में ये भी नहीं होता, तो आपको अंदाजा लगाना होता है कि हर रिक्वायरमेंट के कितने मार्क्स होंगे, ठीक है ना। अब वो अंदाजा किसी का ऐसा भी हो सकता है कि 4 मार्क के जगह वाले पे 10 मार्क का लिख के आ जाए, 10 मार्क वाले पे 4 मार्क का लिख के आ जाए, अंदाजे का तो कुछ नहीं बताता ना, सब्जेक्टिविटी है, ठीक है। तो आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि यार ये कोई कितनी रिक्वायरमेंट्स हैं सवाल में, 1, 2, 3, 4, 5, डी की 2 हैं और 1, 6, ठीक है ना। अगर थोड़ा सा रिक्वायरमेंट पढ़ू, क्वेश्चन पढ़े बगैर ही, तो ए रिक्वायरमेंट है यूजिंग इन्फॉर्मेशन इन अपेंडिक्स 1 and 2 कंपेयर डिविजनल परफॉर्मेंस फॉर द ईयर 31st December 2019 एंड 2018, रेकमेंड 4 मैटर्स फॉर द बोर्ड इन डिविजनल मैनेजमेंट टू एड्रेस। अब आप देखें ये 50 मार्क में से 15 मार्क है, मतलब 30% ऑफ 50 मार्क कॉम्पोजिशन, 15% ऑफ योर होल एग्जाम, इसके अंदर से क्या मामले, रेशियो एनालिसिस, कह रहे भाई मेरे डिविजन्स हैं और 2 साल हैं, मैं मुझे बताओ कि मेरे डिविजन्स ने परफॉर्म कैसा किया। अक्सर होता क्या है कि बच्चे रेशियो एनालिसिस करके आ जाते हैं, बाहर निकलते हैं और कहते हैं भाई पेपर बहुत अच्छा है, रिजल्ट आता तो फेल हो जाते हैं, भाई गलती कर देते हैं, ठीक है भाई गलती ये करते हैं कि क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ते या पूरा करते नहीं। इफेक्टिवली देखा जाए ना इस एक क्वेश्चन में 2 रिक्वायरमेंट्स हैं, देख लो ये बोल रहे हैं, इसके अलावा ये भी बताओ कि 4 मैटर्स फॉर द बोर्ड इन डिविजनल मैनेजमेंट टू एड्रेस, रेकमेंड 4 मैटर्स, ठीक है ना। अब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये मेजर्स की बात कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि 4 रिकमेंडेशन भी देखे जाए इसके अलावा। अक्सर होता है कि रेशियो एनालिसिस क्या, वो 15 मार्क हो गया, चलो भाई भागो नेक्स्ट, होता ही है कि प्रॉब्ली यू मस्ट हैव लॉस्ट हाफ ऑफ द मार्क्स जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एक्टिविटी ऑफ योर्स, है ना। यहाँ तो 2 है, एक्सपेक्टेड टू गो अप टू 4 एज़ वेल, क्या वो एक ही रिक्वायरमेंट में 4 चीजें पूछ सकता है, तो अपने जब रिक्वायरमेंट्स पढ़ लो तो उसको
तोड़ा करो, डैशेज मार लिया करो, लाइन मार लिया करो, वट एवर सूट यू, कुछ नहीं मारो दिमाग में, अगर याद रख सकते हो तेज हो तो दिमाग में याद रख लो, मैं तो नहीं रख सकता हूँ ठीक है। तो मैं तो लाइन पॉइंट मार देता था उसके अंदर ताकि अपना जेन बने, और मेरा एक और कंट्रोल था, फाइनेंस का बंदा हूँ, कंट्रोल तो लगाना आता है कि भाई एक बार क्वेश्चन पूरा आंसर कर दिया तो एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ दिया। अक्सर ऐसा होता है सवाल पूछा होता है जवाब कुछ दे देते होता है, कर देते हम भी ऐसे, सवाल पूछा कुछ और तो दिक्कत कुछ और आ जाते हैं, फिर पढ़ते हैं तो अच्छा कि मांगे कुछ और, या ये पता चल जाता है कि यार दो से तीन रिक्वायरमेंट में मिस करके आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये ख्याल रखना है इस एग्जाम में, ये कुछ टिप्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जब हम करेंगे तो और सीखेंगे फिर। तो बेसिकली इधर रेशियो एनालिसिस है, और अगेन मैंने आपको इसका बताया कि सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंड सेट, इससे सिर्फ ये नहीं बोला रेशियो एनालिसिस करो, इससे बोला सोल्यूशन भी दो, ठीक कैसे करेगा मसला है ना। बी इवेल्युएट द एडवांटेजेस ऑफर्ड टू PBPS ये कोई कंपनी होगी, बट ऑफरिंग अ सिंगल ई बिजनेस प्लेटफॉर्म एंड डिस्कस द ई मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी दैट दिस वुड क्रिएट। समझ में आ रहा है अभी तक फाइनेंशियल्स यहाँ पे काम कराया, रिकमेंडेशन मांगी जो कि BM टाइप की रिकमेंडेशन है, अब अचानक से आ गया मार्केटिंग के ऊपर, है ना। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मैनेजर से सीधा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आया, अभी कह रहा है मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटीज क्या निकलेगी मेरे लिए, अब समझ लो यहाँ पे कोई लग सकता है टैक्स PFD का कुछ लगेगा यहाँ पे, नहीं, कॉमन सेंस केस पढ़ोगे वहां पे इसकी आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि इस कंपनी की पोजीशन क्या है, कस्टमर्स कैसे हैं, मार्केट कैसे बिहेव करती है, कंपेटिटर्स कैसे बिहेव करते हैं, और उसके बेसिस पे ही ये पर्टिकुलर एरिया पर कर सकते, सही है। थर्ड, आउटलाइन द बेनिफिट्स टू PBPS ऑफ यूजिंग बेंचमार्किंग टू इंप्रूव प्रोडक्ट इंटेग्रिटी एंड स्टाफ टर्नओवर, HR और कुछ प्रोडक्ट मैनेजमेंट पर आ गया सवाल है, और बेंचमार्किंग को यूज करने की बात कर रहे हैं, वही मैं कह रहा हूँ ये पेपर कितना हटा हुआ है फाइनेंस से। अभी तक आपने देखा मार्केटिंग भी आ गया, थोड़ा बहुत HR बेंचमार्किंग आ गई, और स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक ही क्वेश्चन में हो रहा है। फॉर द पोटेंशियल न्यू प्रोडक्ट आउटलाइंड इन अपेंडिक्स 4, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड नेट प्रॉफिट मार्जिन दैट कुड बी अचीव फॉर ईच ईयर और a 5-year period for the new product and explain your reservation with any of the assumptions made by the director. I doubt इसकी calculation मुश्किल होगी। Simple होगा, product होगा, कुछ उसकी cost होंगी, कुछ वो होंगे, वो minus करने बताने, 5 साल में फायदा कितना होगा, कुछ assumptions दी होंगी, ऐसी बात है, when you're predicting something, then you need to have some assumptions, और assumptions को challenge करना है। बताओ, सही ना? हमने तो ये चीज देखी है भाई अपने कंपनी कॉर्पोरेट लाइफ में, तो ये चीज को ठरकाना है ना, अजम्पशन को चैलेंज करना। अगर कोई भी बंदा प्लान लेके आता है ना, मैं बताऊं, कहता हूं यार तुमने सारी चीजें सही की हैं, मैं बिकॉज़ आई हैव बीन अ फाइनेंशियल मॉडरेटर एज़ वेल, ठीक है ना, आई हैव मॉडरेट मेनी एक्विजिशंस, सम हैपेंड सम डिड नॉट हैपेंड, ठीक है। तो फिर उसके बाद आई स्टेप्ड अप टू द पोजीशन ऑफ अ रिव्यूअर फॉर द मॉडल्स एज़ वेल, ठीक है ना। तो हम मॉडल से देखते ना, हम कहते हैं यार तूने एक्सेल तो ठीक बनाया होगा, एक्सेल ही है ना मॉडल, मैं कहता हूँ एक्सेल तो ठीक ही बनाया होगा, तूने प्रेजेंटेशन बना ली मार्केटिंग के बंदे ने लेके आगे पूरी प्रेजेंटेशन बना ली, मैं तूने वो भी ठीक ही बना ली होगी, पावर पॉइंट तो यूज हर कोई कर लेते हैं, हम पता है बहस किस पे होती थी पूरा टाइम, अजम्पशंस, हम कहते हैं सब छोड़ अजम्पशन की शीट को, व्हाट काइंड ऑफ अजम्पशंस हैव यू यूज्ड, आपने क्या बोला है मार्केट कितने परसेंटेज से ग्रो करेगी, सही ना। अब उसने बोला भाई मार्केट 10% से ग्रो करेगी, तो मेरा सवाल है क्यों 10 से क्यों कर रही है, 50 से क्यों नहीं कर रही, हम तो ऐसे ही सवाल पूछते हैं, और अगर वो 50 लिख के आएगा तो हम बोलेंगे 50 से क्यों, 5 से क्यों नहीं कर रही, वो डेविल्स एडवोकेट प्ले करना पड़ता है ना आपको। सो यू वुड हैव टू आस्क हियर, अगर मार्केट 10% से ग्रो कर रही है, देन व्हाट इज द रीजन, व्हाई आर यू सेइंग दैट द मार्केट इज ग्रोइंग बाय 10%, हैव यू स्टडीड द पास्ट ट्रेंड्स, हाउ हैज द मार्केट ग्रो इन द लास्ट 5 to 10 years, व्हाट इज द लिंक ऑफ द मार्केट ग्रोथ टू द GDP, हाउ इज द इकॉनमी एक्सपेक्टेड टू ग्रो इन द नेक्स्ट 5 years, आपने क्या उसको लिया ही नहीं लिया। अब जैसे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है जिससे आपका ताल्लुक है, अगर मैंने कोई प्रोजेक्ट लगाना था, जिस तरह काफी कंपनी से लगाया है, पिछले 5 साल में ऑटोमोटिव की आप ग्रोथ देखिए, इट इज अ डबल डिजिट ग्रोथ, समवेयर अराउंड 25-22%। मैं ये पिछले इमरान खान के पीरियड से थोड़े पहले से पीछे की बात कर रहा हूँ, बट आफ्टर दैट डॉलर क्राइसिस हैपेंड, द ग्रोथ हैज वेंट डाउन टू -60% पर ईयर। अगर उस वक्त किसी ने पास्ट ट्रेंड का एनालिसिस कर लिया होता बट इकोनॉमिक एनालिसिस नहीं किया होता तो वो मसला था। सो दीज आर द अजम्पशंस दैट नीड्स टू बी टेस्टेड, व्हाट इज द डॉलर डेप्रिसिएशन दैट यू हैव टेकन, व्हाई हैव यू टेकन दैट रेट,
सवाल होता है लिया तो ये क्यों लिया है, 4% लिया तो 2 क्यों नहीं लिया, 2 नहीं लिया तो 10 क्यों नहीं लिया, इंटरेस्ट रेट क्या प्रेडिक्ट किए आपने, कॉस्ट वर्किंग कैपिटल कैसे बनाया है आप लोगों ने, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की अजम्पशंस, हम तो इतनी डिटेल में आप लोगों को बता रहा हूँ जो कि अगर यहाँ तो होगी नहीं। इन्वेंट्री डेज अगर 90 नहीं है तो 90 क्यों नहीं है, क्यों मुझे 90 दिन की इन्वेंट्री रखनी पड़ रही है, क्यों मैं 30 दिन की इन्वेंट्री नहीं रख रहा, या क्यों मैं 120 दिन की इन्वेंट्री नहीं रख रहा। फिर हम बात करते हैं, अच्छा यार इन्वेंट्री 90 डेज की इसलिए क्योंकि पीछे का जो लीड टाइम है वो 70 डेज का है, जो भी इंपोर्ट हम करते हैं मटेरियल, तो मैं 70 डेज का अगर लीड टाइम है तो 70 डेज की तो कम से कम इन्वेंट्री रखनी है, 20 दिन का मैंने सेफ्टी रखा तो 90 दिन की मेरी इन्वेंट्री बनी, ठीक है। तो इस तरह से रैशनलाइज करना होता है, तो दिस इज द अजम्पशन बिल्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एनी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल और एनी फ्यूचर प्रोजेक्शन। कैलकुलेट तो कोई भी कर लेता है यार, प्लस माइनस तो करना, मेन चीज आती है अजम्पशंस कहां से। तो recommend whether PBBS should proceed with a new product development proposal using the suitable, acceptable, feasible framework to support your evaluation. Abhi kya hai recommend bhi karo, maine wohi bataya tha na, this paper will ask you for advice. Ye nahi hai ki working bana ke boss ko de do, boss decision lega, nahi, decision aapne lena hai. Aur decision ho sakta hai ki ek sawal ke andar hum pura room jo hai na alag alag decisions le, but it should be justified. हर कोई कोई जस्टिफाइबल रीजन देगा कि वो क्यों ले रहे हैं। ऐसा भी नहीं करना ए बी की चॉइस है तो लिख के आगे ए करो, नहीं क्यों करो वो भी बताना है। सही, सो यू नीड टू ऑल्सो जस्टिफाई द डिसीजंस। ई पार्ट डिस्कस द फैक्टर्स दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कहीं लिखा है फाइनेंस मैनेजर या CFO, डिस्कस द फैक्टर्स दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वुड नीड टू कंसिडर इन ऑर्डर टू सक्सेसफुली इंप्लीमेंट अ न्यू कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इट्स सप्लायर्स। सप्लायर्स रिस्क मैनेजमेंट की बात आ रही है ना। सो दिस इज 50 मार्क क्वेश्चन एंड यू कैन सी क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम रेशियो एनालिसिस, मार्केटिंग, ई कॉमर्स, एचआर, फ्यूचर प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड अप्रेजल्स बाय अजम्पशन फीजिबिलिटीज और एक कोड ऑफ कंडक्ट फॉर सप्लायर्स। सो दिस इज कॉल्ड एन इंटीग्रेटेड पेपर, देख लो, और इंटीग्रेटेड पेपर यही होता है। सो ग्रो आउट ऑफ फाइनेंस, स्टार्ट थिंकिंग ऑन यू नो समथिंग बिगर देन फाइनेंस नाउ, बिकॉज दिस इज द नीड ऑफ द आवर। मुंशी लॉजिक पे चलोगे तो मारोगे इस पेपर, बहुत क्लियर बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन टू करते हैं। आपको सर बताऊँ, ICW का जो SBM का पेपर था ना, वो मैंने वो दिया था, बाद में आईकैप चार्टर से काउंटर नहीं, मुझे उससे ज्यादा प्रैक्टिकल पेपर अपनी लाइफ में कोई नहीं लगा। ICW का जो SBM था और केस स्टडी पेपर था, हमारे दो पेपर तीन होते थे जो मैंने तीन दिए थे, जिसमें एक केस स्टडी आखिरी होता था सबसे और एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस मैनेजमेंट होता था उससे पहले देना होता था। इन दोनों पेपर ये ऐसे थे जिन्होंने वाकई मुझे कुछ सिखाया है जो मैंने अपनी कंपनी में जाके अप्लाई किया है जिन चीज़ें। मैं वो सच बताऊँ, मैंने अपने बाकी इसे पहले को ACCB क्या हुआ था, उस क्वालिफिकेशन में मेरी परफॉर्मेंस जो रेशियो एनालिसिस की और वो इतनी हाई लेवल डेवलपमेंट नहीं थी। जब मैंने ये पेपर्स अपने सॉल्व करना शुरू किया था ना, तो मेरे वो कहते हैं ना कि कॉम्पिटेंसी लेवल इतना बढ़ गया था कि मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उठाता था कोई भी कंपनी की, मैं सिर्फ PNL देखता था, उन्होंने वहीं पर बोलता यार ये नहीं समझा, मतलब दिस इज द प्रॉब्लम, मतलब अल्टीमेट कॉम्पिटेंसी लेवल इस पेपर के बाद आप लोग ये भी डेवलप हो जाएगा कि पुट अप अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनी कंपनी, अगर आज डेवलप नहीं हुआ भाई क्योंकि आप लोगों ने तो ऑब्वियसली बहुत काम किया हुआ होगा रेशियोज वगैरह वाले एस्पेक्ट में, मैंने इतना नहीं किया हुआ था पहले, तो आपको देख के पता चल जाएगा यार मसला क्या होगा। सो इट डज नॉट इवन टेक मी सेकंड, मतलब मिनट्स, मैं देखता हूँ फाइनेंशियल एक्सेप्शन ये मसला है, फॉक्स इसको उठाओ ये बोलता हूँ यार इसकी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खोलो देखो उसमें क्या होगा, और वहीं कोई ना कोई मसला होगा जनरली। तो मतलब ये लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी आपकी बढ़ जाएगी बगैर कैलकुलेशन की, आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्या हो कंपनी के साथ। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकली दीज पेपर आर गोना असिस्ट यू, ये वो पेपर नहीं है जो कि सिर्फ पढ़ने की हद तक वाले, ये प्रैक्टिकली असिस्ट करने वाले पेपर हैं। अब क्वेश्चन नंबर टू आया है आपका सेम पेपर ए। अब ये प्रॉब्लम कोई किस्म की इस क्वेश्चन में इस तरह की सिचुएशन चल रही है कि कुछ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगानी है, कुछ करना है इसको या एक्सपेंड करना है किसी कंट्री ऑफ म्यांमार के अंदर, और दो ऑप्शंस होंगे आपके पास और उस पर बातचीत होगी। 25 मार्क का क्वेश्चन है, पहले रिक्वायरमेंट 5 मार्क की कह रहा है, कंपेयर डिफरेंट मेथड्स
SCW could adopt to expand into Myanmar and explain which you would recommend in this instance? Again, we know about them. Recommend. A polar key, consa method choose correct to expand into a new country? Yeah, whatever it is. Again, we talk about will financials be the only thing? क्या आप ये बोल दो कि यार सारे मेथड की एनपीवी निकालो जिसकी ज्यादा पॉजिटिव है उसमें चलेगा? हाँ, क्या आपका आंसर इस तरह का होगा? यहाँ पर नहीं होगा. एनपीवी जो निकालते हैं ना, दिस इज सेकेंडरी. एनपीवी वगैरह निकालना सेकेंडरी होता है. फाइनेंशियल फीसिबिलिटी सेकेंडरी होती है. जब भी कोई कंपनी किसी मार्केट में इन्वेस्ट करने जाती है या कंपनी अक्वायर करने जाती है ना, फाइनेंशियल फीसिबिलिटी सेकेंडरी होती है. प्राइमरी होती है whether it is a strategic fit or not. क्या ये एक strategic fit भी है? ये क्या मैं acquisition कर रहा हूँ? क्या ये मेरे sense भी बनाते हैं? नहीं बनाता. मैं आपको कोई international examples दे सकता हूँ. So ExxonMobil का नाम सुना होगा आप लोगों ने. ExxonMobil acquired ICI PLC. ठीक है, ये 2008 की बात है मेरे ख्याल से. तो ExxonMobil specialized in paints and relevant chemicals and stuff. जब इन्होंने आईसीआई पीएलसी एक्वायर की तो आईसीआई वर्क इन लॉट ऑफ अदर केमिकल्स, जैसे कि सोडा ऐश, पॉलिएस्टर, पेंट्स, जूलक्स का नाम सुना होगा आप लोगों ने. तो वो हो गया, ये सब में काम कर रहा था. तो ExxonMobil ने बोला भाई भले ही सारे प्रॉफिटेबल है, भले ही सारे मुझे अच्छी पॉजिटिव एनपीवी जनरेट करके दे रहे हैं, मेरा लेकिन जो स्ट्रैटेजी है ना बिजनेस की, इट इज नॉट टू ऑपरेट इन दिस एरिया. व्हाट दे एंड अप डूइंग इज दे डाइवेस्टेड एंटायर आईसीआई पीएलसी एंड जस्ट केप्ट द पेंट्स बिजनेस. सिर्फ आईसीआई का ड्यूलक्स रखा अपने पास, ये पाकिस्तान की एग्जांपल लगा, बाकी जितने बिजनेस थे बेच दिए. ऐसी बात नहीं थी वो प्रॉफिटेबल नहीं थी. उन्होंने बोला हमारी ये स्ट्रेटजी है ही नहीं. सो अक्सर फाइनेंशियल सेंस जो चीज बनाती है वो हो सकता है स्ट्रेटजिक सेंस ना बनाए. आजकल एक केमिकल्स की दुनिया में एक रन चल रहा है और ये कह रहे हैं कि हमें कमोडिटी बिजनेस से निकल के स्पेशलाइज बिजनेस में जाना है. ऐसा नहीं कि कमोडिटी बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होते. कमोडिटी बिजनेस होते ना वो हाई रिस्क बिजनेस होते हैं, मतलब उनकी प्राइसेस फ्लक्चुएट बहुत ज्यादा करती है. एंड देयर इज वेरी लिटिल टू डिफरेंशिएट बिटवीन योर कंपेटिटर्स प्रोडक्ट. उन्होंने कहा भाई बहुत हाई रिस्क मार्केट है, प्रॉफिट भी होता है लॉस भी होता है, हमें नहीं काम करना इसमें. हमें काम करना है स्पेशलाइज मार्केट्स में, मार्जिन ज्यादा है और प्राइस वॉलेटिलिटी कम है. ये एक बड़ी निकली हुई है जो BASF और इस किस्म की कंपनीज है ना, वो इस तरफ बहुत फोकस कर रही है. ये लोग क्या करते जा रहे हैं, कमोडिटी बिजनेस को डिस्पोज करते जा रहे हैं. ऐसा नहीं था कि वो प्रॉफिटेबल नहीं था, लेकिन अगेन वही बात है कि स्ट्रेटेजिक नहीं था. तो फाइनेंशियली वो सेंस बना रहा था लेकिन स्ट्रेटेजिकली वो नॉनसेंस था. सो इस तरह से ना, मतलब भी चीजें होती हैं. देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी इन एग्जाम दैट यू माइट हैव अ हायर एनपीवी विद वन कंपनी और वन पर्टिकुलर एरिया, बट स्ट्रेटेजिकली दैट डज नॉट मेक सेंस. सो वहां पे यू माइट बी टेकिंग अ स्टांस, यार नो डाउट फाइनेंशियली इट्स मोर वायबल बट स्ट्रेटेजिकली इट्स नॉट वायबल. समझ लो, अक्सर एक्विजिशन करते हैं ना तो सबसे पहले पूछा जाता है, मैं बताऊं आप लोगों को, फाइनेंस फाइनेंशियल वायबिलिटी से पहले ये पूछा जाता है व्हाई आर वी डूइंग दिस एक्विजिशन. हम भी जब एक्विजिशन करते हैं तो हम अक्वायर करने से पहले सोचने के लिए हम अक्वायर कर क्यों रहे, मतलब व्हाट इज माय पर्पस ऑफ एक्वायरिंग द कंपनी. इज माय पर्पस टू इंक्रीज मार्केट शेयर, ये पर्पसेस होते हैं ना कि एक्विजिशन के पर्पसेस क्या है. वेदर आई वॉन्ट टू इंक्रीज माई मार्केट शेयर, वेदर आई वॉन्ट टू गो इन टू न्यू मार्केट्स, purposes also. Whether I want to increase my profitability. फिर जब आप evaluation करते हो ना तो आप ये देखते हो कि ये जो मेरे strategic purposes थे ना, क्या वो कंपनी वो पूरे कर रही है नहीं कर रही, समझ लो. So for instance, अगर BASF कह रही है कि मेरी strategic purpose है to expand into specialized chemicals और वो feasibility कर रही है commodity company की, तो will that strategic objectives be met by that acquisition? No. So वहां पर it becomes not viable. ठीक है, so थोड़ा BFD वाली दुनिया से बाहर निकलो. The one which gives you the most benefit profitably, मतलब profit wise, does not necessarily means कि strategically it's more better, it's much better than the PSU. Considering option to expand by setting up a manufacturing site in Myanmar. अभी कह रहा है कि मुझे Myanmar की मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग साइट खोली, मतलब शायद एक फैक्ट्री लगानी है, और ये मुझे लग रहा है दूसरी दुनिया होगी, दूसरी कंट्री होगी, तो नई दूसरी करेंसी होगी और ये सारी चीजें होंगी. सो इंटरनेशनल फीजिबिलिटी है ये करेगी. कैलकुलेट द एनपीवी एंड डिस्कस एनी एडिशनल कंसीडरेशंस विद द प्रोजेक्ट.
10 मार्क्स पहले कह रहे हैं मुझे बताओ मैं एक्सपेंड कैसे करूं, फिर कहते हैं मैंने मैन्युफैक्चरिंग साइड लगाई तो उसकी एनपीवी क्या है, अब ये आया फाइनेंशियल साइड में, डिस्कस एंड रेकमेंड वेदर द एक्सपेंशन शुड बी फाइनेंस्ड बाय डेट और इक्विटी, कह रहे वेदर डेट इज बेटर और इक्विटी इज बेटर, सो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन ऑनेस्टली मैं आपको बहुत आसान सवाल है, मतलब इससे ज्यादा आसान सवाल क्या आ सकता है, डिस्कस एंड रेकमेंड अ सूटेबल हेजिंग स्ट्रेटजी फॉर द क्वार्टरली डिविडेंड रेमिटेंसेस बैक फ्रॉम म्यांमार, अब इनकी ऑब्वियसली कोई ना कोई सवाल में इस तरह का होगा कि इनको क्वार्टरली डिविडेंड वापस आते होंगे, वो म्यांमार की करेंसी में आते होंगे, आपकी करेंसी पीकेआर होगी और उसको हेज कैसे करो जब वो वापस आए तो एक सर्टन वैल्यू पे, तो हेजिंग स्ट्रेटजी में क्या होगा, वही जो हमारे सारी मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज आती है तो वो यहाँ पे अप्लाई करनी है उसके 5 मार्क्स, तो कैसे फील आ रहा है पेपर का अभी तक, हाँ इनपुट दें यार थोड़ा, सुन क्यों है वो इनपुट देने यार, क्या हाँ ठीक है सिर्फ बुक पढ़ के पेपर पास हो जाएगा, मैं बुक पढ़े बगैर भी पेपर दे सकता हूँ, मैं पास हो सकता हूँ, मैं बुक पढ़ के पेपर देके पास हो सकता हूँ, बुक ना पढ़े भी मैं पढ़ के फेल भी हो सकता हूँ, मतलब बुक पढ़ोगे तो शायद नॉलेज बैंक बढ़ जाएगा लेकिन इट इज मोर अबाउट डेवलपिंग दैट स्किल टू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन देन जस्ट रीडिंग द बुक, अक्सर बच्चे कहते हैं ना यार सारी बुक पढ़ लूंगा सारे क्वेश्चन कर लूंगा अच्छे से कर लूंगा पास हो जाऊंगा, फिर भी फेल कर जाऊंगा अगर वो सेंस अपने अंदर डेवलप नहीं करें, और कोई फीडबैक है आपका, कोई फीडबैक काफी हेल्प करता है प्रैक्टिकल, मैं वही जितना कह रहा था कि प्रैक्टिकल नॉलेज हेल्प्स अ लॉट इन दिस पेपर, अ लॉट आई कांट टेल यू अ लॉट, और मैं भी जितना भी करियर के अंदर ऊपर ज्यादा मतलब डिपार्टमेंट्स में ऊपर जा रहा हूँ सारा कुछ कर रहा हूँ ना, हर बार मैं क्वेश्चन उठाता हूँ एंड देयर इज समथिंग न्यू दैट कैन कम टू मी व्हिच आई कैन गिव एज अ रिकमेंडेशन, सो योर करियर मैच्योरिटी ऑल्सो मैटर्स अ लॉट, कि वो आप किधर हो फिर आपके सोच का तरीका ही पूरा बदल जाता है, कोई और सही है हो जाएगा मेरिट होल्डर है आपका कोई फीडबैक, मैं यार ये तो आसान था, मैं तो पेपर की फीडबैक की बात कर रहा हूँ, मुश्किल है क्या मुश्किल है, डर इज एन एक्सप्रेशन ऑफ सम बिगर प्रॉब्लम ना, व्हाट इज दैट बिगर प्रॉब्लम, क्या है डर है, डॉन्टिंग है, बहुत डॉन्टिंग है, 18 पेजेस है, एक साथ कैसे लाए, आईसीडब्ल्यू पढ़ोगे ना और डर हो गया, लेकिन अगर इसमें 7 थे ना आईसीडब्ल्यू में शायद इससे छोटा छोटा भी लिखा हुआ होता है और पेजेस भी ज्यादा होते हैं और इंग्लिश भी डिफिकल्ट होती है, सही है ठीक है, टाइम का बहुत इशू है बिल्कुल सही, और यार आपकी जो बात है ना कोई इसका एक स्पेसिफिक आंसर हो नहीं सकता, मैं आपको एक चीज बताऊं जेनरिक थीम जो है ना वो एक ही है, मेरे ख्याल से रिकमेंडेशन के वर्क वी कैन डिफर लेकिन जो मेजर पॉइंट्स होंगे ना वो सेम ही निकलेंगे ज्यादातर, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन ओमनी डायरेक्शन बात हो रही होती है ना, जनरली एग्जाम में आप पढ़ोगे तो आप उस केस में वो एक ही कॉन्टेक्स्ट निकल के आ रहा होगा, तो जनरली जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होंगे ना वो ज्यादातर क्लास के सेम ही होंगे, कुछ पॉइंट्स होंगे जो अलग अलग होंगे और आपके एग्जाम के अंदर उसके ऊपर भी अलाउड है कि यार एनी रिलेवेंट पॉइंट्स कैन बी गिवन, बट मेजर पॉइंट शुड बी कवर, ठीक है, तो वो है कि जो रिकमेंडेशन है नो रिकमेंडेशन इज राइट और रॉन्ग अनलेस यू आर एबल टू जस्टिफाई, हाँ लेकिन कुछ इंस्टेंसेस में मैंने ऐसा भी देखा है कि बहुत क्लियर नो होती है, तो एक रिकमेंडेशन होती है वो बहुत क्लियर नो ही होता है कि मतलब उसमें जाना ही नहीं होता किसी बच्चे ने, तो वो एक ट्रिक है एक तरीके की, वो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यार कुछ भी हो जाए ये वाला
ऑप्शन हो ही नहीं सकता। जैसे मैंने देखा है सर क्वेश्चन ऐसा होता है कि आपके ऑप्शन होता है वेदर यू कैन गो फॉर इक्विटी और डेट, सही है, और कंपनी की ऑलरेडी जो गेयरिंग है वो 70% पे बैठी हुई है, तो उस सिचुएशन में गोइंग फॉर डेट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज वो विल, और वो लिखा भी होता है कि यार ऑब्टेनिंग डेट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर दिस कंपनी, सो वो ऑलरेडी समझ में आ जाता है कि यार डेट इज नॉट द राइट चॉइस फॉर यू, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इस तरह की सिचुएशन में होगी कुछ बड़ी ऐसी होगी, समझ नहीं आना, ये भी कर सकते ये भी कर सकते हैं, कि उस वक्त दिमाग किस तरह चलता है, आपके कोई इनपुट हो जाएगा मतलब आपसे इंशाल्लाह सबसे हो जाएगा, ऐसी बात नहीं, बट मैं वही कह रहा हूँ कि समझना जरूरी है, मर्ज जानना जरूरी है उसको इलाज करने से पहले, ये जरा जान लो उस मर्ज को, व्हाट मैं वही कह रहा था ना कि व्हाट आर द टू थ्री कॉम्पिटेंसीज दैट यू रिक्वायर टू गेट थ्रू दिस पेपर, वही चीज है अगेन बीइंग एबल टू ब्रेनस्टॉर्म इन अ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड इन गिविंग गिव रिकमेंडेशंस, एंड तीसरा था योर राइटिंग स्किल्स, दीस थ्री आर द एरियाज वेयर यू नीड टू वर्क टू गेट थ्रू दिस पेपर। ऐसे इसका एक और क्वेश्चन भी है, अगर उसको हम चाहें तो देख सकते हैं, ये भी वैल्यूएशन रिलेटेड है, वो तो ना वैल्यूएशन कहीं ना कहीं आएगी वाला, इसमें टैक्स आया है 5 मार्क का, वो कहता ना कि इसका क्या मैं 5 मार्क का, 5 से 15 लिखा हुआ था, यूजली 10 का आता है, यहाँ 5 का आता है, एटलीस्ट समझ में आएगा कि कितनी एफर्ट कहाँ मार दी है इस पेपर के लिए। खैर जो टैक्स दे रहे हैं उनके लिए तो कोई मसला ही नहीं होगा, लेकिन जिन्होंने दे दिया तो उनको एटलीस्ट इतना समझ में आएगा कि एफर्ट मारनी कितनी है टैक्स के अंदर, कि मैं मार रहा हूँ तो 10 मार्क की एवरेज पर मार रहा हूँ, खैर वही पास फेल कराते हैं, लेकिन फिर भी एक एफर्ट लेवल समझ में आ जाता है कि आपको कितनी एफर्ट मारनी है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट योर पेपर विल लुक लाइक, दिस इज हाउ टू गो थ्रू द पेपर, एंड वही जो 3 कॉम्पिटेंसीज मैंने आपको बताई, मैं मेरा फोकस सिर्फ उन्हीं पे होगा क्लास में टू डेवलप दोस कॉम्पिटेंसीज। सो दिस कम्स अप टू द पॉइंट कि यार हमारा टीचिंग मेथड क्या होगा, क्योंकि देर आर अदर ट्यूटर्स इन द ऑब्वियसली इन द मार्केट एज वेल हु हैव प्रॉबली अ वेरी डिफरेंट अप्रोच टू टीचिंग, जो कि कन्वेंशनल मेथड से ही आप लोग की ड्राइव हुई, जो पिछले क्लास में होती है, होता है कि बीएफडी का एक सवाल पकड़ते हैं, वही छोटा छोटा सवाल पकड़ पकड़ के कराना, आई एम जस्ट गोना क्लैरिफाई यू राइट नाउ, आई एम नॉट गोना गो डू दैट। आप लोगों को बीएफडी आता है, आप लोगों को बीएमबी आता है, मैं आप लोगों को एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ाने नहीं जा सकता इसमें, बिकॉज यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट पढ़ाने चले गए ना तो वो जो 3 कॉम्पिटेंसी जो मैंने आपको बताई और यहाँ रिफ्लेक्ट किया वो पूरा कभी नहीं होगा। मेरी अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट, from the very first class that we are going to start working on, we will be starting from a question directly, main seedha exam question uthaunga aur wo solve karunga, kyunki lamba question hai, samajh mein kaise aayega ek sath, aap log ke masle ye the na, kisi ne ye bola bfd ka number nahi nikalne aate mujhe, kisi ne nahi bola, so let's work on the problem areas which is reality, and this model has worked for me and for the students who I've been teaching. 2 मेरिट्स भी आ चुके हैं इसके अंदर मेरे पास, तो मतलब इट्स वर्किंग, दिस इज अ फुली वर्किंग मॉडल फॉर मी, एंड दिस सूट्स द नीड्स एंड इट सूट्स द प्रॉब्लम्स दैट आई हैव, ठीक है ना, वही जो प्रॉब्लम्स आप लोगों ने मुझे बताई है, तो लेंथ कैसे करनी है, ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करनी है, लिखने पे कैसे फोकस करना है, मेरा फोकस इन पे होगा, हम सवाल उठाएंगे एंड वी जस्ट रश इनटू इट, सही, हर सवाल के अंदर कोई थीम होगी जिसके ऊपर हम लोग फोकस कर रहे होंगे, उस थीम को कराने से पहले मैं उसका एक क्विक रिवीजन करवाऊंगा, जैसे जब हम बिजनेस वैल्यूएशन में जाएंगे तो मैं आप लोगों को बिजनेस वैल्यूएशन का पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, बताऊंगा कि क्विक बिजनेस वैल्यूएशन होती कैसी है, और फिर ही क्वेश्चन से लिखाऊंगा, ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्ट बस सॉल्व कर रहा, सो वेर एवर अ न्यू कॉन्सेप्ट विल बी कमिंग आई विल बी ऑब्वियसली गिविंग यू अ क्विक रिवीजन ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया। जहां तक बीएफटी और बीएम की बात है, अगर आप लोगों को फिर भी कोई ऐसा है जो कि भूल गया, आई हैव अ सर्टेन रिसोर्सेज एट माय डिस्पोजल दैट आई कैन गिव इट टू यू and you have certain disposal at your ends. आप लोगों को ये करना होगा कि अपनी BFD की books लो, registers लो, उनको through कर लो, जो online या physical students हैं यहाँ पे, I think 2 से 3 दिन के बाद आप लोगों को LMS का access मिल जाएगा यहाँ पे, जो learning management system है Striver का, उसके अंदर सर लुकमान, because he also teaches BFD, उनके BFD के सारे lectures हैं,
categorized into all areas of BMD. तो आप लोग जाके उन लेक्चर्स को भी देख सकते हैं अगर आपको को लग रहा है कि आप लोग का रिस्क मैनेजमेंट का एरिया हल्का है या बिजनेस वैल्यूएशन का एरिया हल्का है. सो यू आर ऑल्सो दोज लेक्चर्स विल बी गिवन टू ऑल ऑफ यू दोज हु विल बी पार्ट ऑफ द क्लास. सो LMS का एक्सेस होगा, उसके ऊपर BFD के लेक्चर्स होंगे, तो आप लोग जाके वहाँ से भी रिवाइज कर सकते हैं अगर आप लोग को वो प्रेफर्ड मेथड है. ठीक है, तो आई वुड गिव द ओनस ऑन यू, पुट द ओनस ऑन यू गाइज टू स्टडी द कोर BFD. मैं आप लोग को ऊपर ऊपर से रिव्यू करवा के ले जाऊंगा और मैं क्वेश्चन के थ्रू आप लोग को सॉल्व कराऊंगा. सो वही बात है, मेरा फोकस क्वालिटी पे यहाँ पे क्वांटिटी पे नहीं है. मैं दबा दबा के क्वेश्चन नहीं कराऊंगा क्योंकि वो कोई फायदा नहीं होगा. सवाल करके कुछ सीखो ज्यादा बेटर करता है हमारे. सो आई विल टेकिंग यू, और जो मैं क्वेश्चन मेरे थ्रू भी ले जा रहा हूँ ना, आई विल टेक यू थ्रू अ सर्टेन मेथडोलॉजी. रैंडम कोई क्वेश्चन सिलेक्टेड नहीं होंगे वो. मैं कुछ एरियाज को पकड़ पकड़ के, मेजर थीम्स को पकड़ पकड़ के वो क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा. ठीक है, और इसमें लर्निंग कर्व बड़ा खतरनाक किस्म का होता है, हॉकी स्टिक वाला होता है बिल्कुल. कि शुरू में एकदम ब्लास्ट होनी है आप लोगों की, यार ये क्या है, सवाल ही समझ नहीं आ रहा, क्लास कहीं और ही जा रही है, दिमाग कहीं और जा रहा है. दो क्वेश्चंस करोगे, तीसरे पे आओगे ना तो ऑटोमेटिकली चीजें ग्रास्प करना शुरू करोगे. ठीक है, तो शुरू के जो एक दो क्वेश्चंस होंगे, दो क्वेश्चन होंगे, वो समझ लो मुश्किल होंगे करने. ठीक है, क्वेश्चन बेस्ड अप्रोच है. मैंने आप लोग बता दिया अगर BM का आप लोग को एरिया रिवाइज करना है, अगेन यू हैव योर BM रजिस्टर्स मॉडल्स वगैरह वहाँ जाके देख लें. हम स्क्राइबर वाले भी एक आप लोग को बुक देते हैं, रेफरेंस बुक, जिसके अंदर तो ये 1400 पेजेस का स्टडी मैनुअल है, इसकी 250 पेजेस की समरी. ठीक है, तो वहां से भी आप लोग पढ़ सकते हैं सारे एरियाज एक साथ. मेरे ख्याल से इट विल बी इक्वली यूजेबल. मतलब वैसे मैंने हर बार बच्चों को कहता हूँ पढ़ लो, पढ़ता कोई नहीं है, चाहे वो एक MS टू ही गुना दे रहा और एंड में जाके वो रिविजन वाले पे जा रहा होता, तो आप लोग देख लें वट एवर सूच यू. स्टडी मैनुअल पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर रिविजन भी देख लेंगे तो इट शुड बी फाइन. ठीक है, बींग वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज मेरा से फोकस टेक्स्ट बुक करवाना नहीं है आप लोग को, एप्लीकेशन यहाँ पे ज्यादा बड़ा फोकस है. सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ के मैंने बताया फेल हो जाओगे, सही है? तो रिसोर्सेज इस तरह से आप लोग को मिल जाएगा. हमारे पढ़ने के रिसोर्सेज आप लोग को क्या अवेलेबल है फॉर MSA2, आप लोग के पास पास्ट पेपर होंगे ICW के, अगर नहीं है तो आप लोग ले लें कहीं से, स्क्राइबर से भी शायद मिल जाते हैं मेरे ख्याल से. पास्ट पेपर फॉर ICW है, ICAP के पास्ट पेपर्स हैं, और लेकिन 6 पेपर ही हुए हैं अभी तक, 6 अटेम्प्ट्स हैं. और आप लोग के पास वर्कबुक है ICAP की, लेकिन वर्कबुक जो ICAP की है उसके अंदर पास पेपर्स ही हैं, और जो उससे पहले के क्वेश्चन हैं दे आर ऑनेस्टली स्पीकिंग नॉट परफेक्ट, बिकॉज वो छोटे छोटे हैं और एक एक एरिया के, दैट विल नॉट हेल्प यू विथ योर एग्जाम. सो उस पर टाइम ज़्यादा करने से अच्छा है कि ICW के क्वेश्चन सॉल्व कर लिया. ठीक है, सो मेजरली रिसोर्सेज टू वर्क ऑन इज ICAP पास पेपर्स एंड ICW. ठीक है, आई विल बी टेकिंग यू थ्रू बोथ, ICW भी कराऊंगा और मैं ICAP भी क्वेश्चंस कराऊंगा. ठीक है, तो कोई सवाल, कोर्स कब तक खत्म करेंगे? तो यार रमजान से पहले पहले नहीं हो पाएगा. ठीक है, सो 10th of May तक एक्सपेक्ट करें कि हमारा कोर्स खत्म होगा. अगर उसके बाद कुछ बूस्टर क्लासेस लगानी होगी तो लगाएंगे, लेकिन 10th of May हो जाएंगे. रमजान में से पहले पहले खत्म करना बड़ा मुश्किल है. क्लासेस दो ही होंगी शुरू में, इट विल गो अप टू 3, एंड थर्ड क्लासेस होंगी तो एक्स्ट्रा वो सर लुकवानी लेंगे. तो मेरी क्लासेस मैक्सिमम में किसी भी वीक में दो ही होंगी, बिकॉज आई हैव सम कमिटमेंट, वर्क कमिटमेंट्स एज वेल. तो वो मेरे लिए मुश्किल होता है, बिकॉज मेरा जाने का टाइम है, आने का टाइम है. इस तरह से सो मैं दो क्लासेस एट मैक्स ले लूंगा हर वीक. थर्ड क्लास जो भी लगेगी वो सर लुकमान की कोई वीक में देख के एडजस्ट की जाएगी, ठीक है, जिनके टैक्स या कोई और पेपर दे रहे हैं उनके साथ क्लैशेस ना. ठीक है, सो गुड, इज ऑल इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेटेड और इज एवरीथिंग देयर? सही है, सही रहा, सेट है. अच्छा, कल क्लास नहीं होगी, इसका एक रीजन है. सो आई हैव अ सर्जरी टुमारो, बिकॉज सम प्रॉब्लम विद माय फुट, तो उसके लिए आज है बल्कि वो शेड्यूल फॉर द इवनिंग. तो I have to be on bed rest for more than 2 weeks, but I'll be up and running by inshallah the coming Saturday. So मैं फिर भी आ जाऊँगा, बैठ के पढ़ा लूँगा, वो मसला नहीं. लेकिन कल नहीं कर पाऊँगा, because the moon will be very fresh. ठीक है? So I hope it's not an issue. Basically मेरी थी कल, लेकिन क्योंकि class लेनी थी तो मैंने एक दिन से delay कराई थी. Anything else? ठीक है, कोई सवाल है तो पूछो ना यार, क्लास खत्म कर रहा हूँ.
ऐसा लग रहा है कुछ समझ में नहीं आया या ज्यादा समझ में आ गया। नहीं समझ, खत्म करूंगा। देखो ये क्वेश्चन पेपर देखा है, ये क्वेश्चन पेपर देखा ना, बीएम की बुक पढ़ के भी कुछ सवाल का जवाब दे पाते हैं यहाँ पे सही से, वही डेवलपमेंट। सो वो जो होती है ना वो थ्रू ब्रेनस्टॉर्मिंग ही डेवलप होगी वो कैपेबिलिटीज। हम जो क्लास में बैठेंगे ना विल बी डिस्कसिंग कि यार यहाँ पे क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। आई विल अलाउ यू टू डिस्कस, ये वो नहीं है कि एक दूसरे से बात नहीं करो कुछ सोच के बताओ, बिकॉज ये कैपेबिलिटी ना लोगों से बात करके ही डेवलप। सो आई विल अलाउ यू गाइस टू डिस्कस सम सॉल्यूशंस विद ईच अदर कि यार हाँ यार ये बेनिफिट्स हो सकते हैं, ये नुकसान हो सकते हैं, एंड देन यू विल बी थ्रू विद टू क्वेश्चंस ना, थर्ड क्वेश्चन तक यू विल बी थ्रू विद अ लॉट ऑफ मेनी थिंग्स। तो आप लोगों कैपेबिलिटीज वो सोचने की वो सलाहियत जो है ना वो डेवलप होना शुरू हो जाएगी कि उसको स्ट्रक्चर कैसे देना। सो मैं ऐसा नहीं ले जाऊंगा कि आप लोग को पहले ही क्वेश्चन करूंगा और वो आंसर उसको पूरा लिख के दूंगा, मैं नहीं लिखूंगा। पहले हम लोग फोकस करेंगे पॉइंट्स या ब्रेनस्टॉर्मिंग पे कि हाउ टू बी एबल टू जनरेट पॉइंट्स आउट ऑफ योर क्वेश्चन। पहले हम उस पर फोकस करेंगे, पहले हम सिर्फ ब्रेनस्टॉर्मिंग पे फोकस करेंगे। एक बार मुझे लगेगा ना ब्रेनस्टॉर्मिंग की कैपेबिलिटी डेवलप हो गई है, ओनली देन आई विल आस्क यू टू गो एंड राइट द आंसर्स। सही है? तो इट्स अ स्टेप प्रोसेस, मैं वो बता रहा हूँ, मैं प्रोसेस से लेके जाऊंगा। एक तरीका ये है कि मैं आप लोगों को बीएफडी के सवाल सॉल्व कराते रहूँ और जो मेन चीज है वी लूज ट्रैक ऑफ इट, और दो सवाल करके बोलते हूँ जाओ एग्जाम में बैठ जाओ, वो नहीं कर पाओगे, हाई चांसेस ऑफ फेलियर है उसमें। मैं नहीं बोलूंगा कि कर नहीं पाऊंगा, हो सकता है कर लो, बट चांसेस ऑफ फेलियर विल बी वेरी हाई। सो आई होप दैट आंसर्स। सो आई हैव अ डिफरेंट वे ऑफ टीचिंग बस ये, बट आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर द पास्ट 5 अटेम्प्ट्स एंड इट्स वर्किंग। ठीक है, सो थैंक यू एंड इंशाल्लाह विल मीट ऑन सैटरडे, ऑब्वियसली स्टार्टिंग विद अ क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ऑनलाइन जो है उनकी कोई क्वेरीज या कुछ। या क्वेश्चंस वगैरह जो भी होंगे ना आई विल मेक यू अवेलेबल ऑन जूम, सो आई विल सेंड यू ऑन द जूम, ताकि आप लोग को भी अपने पास वो खोल के उसको रीड कर लें सारा कुछ। ठीक है, फॉर द 250 पेजेस वाला जो मैंने बताया है कि यू कैन आस्क द स्क्राइबर मैनेजमेंट कि वो आप लोगों को कब और किस तरह अवेलेबल करेंगे, सो वो आप देख सकते हैं, बिकॉज जो ऑनलाइन है उनको ऑब्वियसली डिस्पैचेस करनी होगी, वो यहाँ पे आके कलेक्ट करनी। वैसे रिकमेंडेड मोड मेरा फिजिकल क्लास का प्रेजेंस, बिकॉज वो इंटरेक्शन लेवल थोड़ा सा हाई होता है उसका, जो भी मतलब रियलिटी। ठीक है भाई, आई होप आई हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन, कुछ रहना गया। थैंक यू, कुछ नहीं और जी, नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन सैटरडे, फॉर एनी थिंग दैट इज गोना गो ऑन पोर्टल और द समरी बुक आई वुड जस्ट रिकमेंड यू ताहा कि आप गेट इन टच विद द स्क्राइबर मैनेजमेंट, दे विल बी एबल टू गाइड यू बेटर ऑन दैट पर्टिकुलर फ्रंट। ठीक है, सो एनी मोर क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑनलाइन स्टूडेंट्स और शुड आई जस्ट यू नो नाउ डिस्कनेक्ट द कॉल? Anybody? Chalen, thank you. And please have yourself on the WhatsApp group if you are not already there, so that it will become easier to communicate if there is anything for the class. Theek hai na?